मसूरी में धनौल्टी रोड पर देर रात को एक कार गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, फायर सर्विस, 108 एम्बुलेंस और एसडीआरएफ ने देर रात तक रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिला। पुलिस और एसडीआरएफ के द्वारा सुबह से ही रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। मसूरी में देर शाम को हरियाणा नंबर की एक एसयूवी कार सुबह खोली से करीब 2.5 किलोमीटर आगे धनौल्टी रोड पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार में खाई में गिरने की सूचना पर पुलिस, फायर सर्विस, 108 एम्बुलेंस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाले टीटू ने रात को बताया कि पुलिस और एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीम ने एक साथ मिलकर गाड़ी के आसपास काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है। अभी यह रेस्क्यू अभियान जारी है। कहीं भी अवशेष तो मिले गाड़ी के, और एक आध आईडी मिली मुझे और नंबर प्लेट मिली, लेकिन इंसान होने का, जिस साइड हमने सर्च किया वहाँ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हो सकता है दूसरी तरफ कोई हो। तो शायद क्या गाड़ी में कुछ खून खान के नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं जी। एक तो क्या अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी ने गाड़ी फेंक दी? ऐसा भी हो सकता है जी, लेकिन आज उसमें टोल की पर्ची भी मिली कोल्लूखेत की, आज ही की, तो आज ही गाड़ी आई है 30 तारीख को। धनौल्टी से घूमने आए होंगे और हरियाणा नंबर की गाड़ी है, जिसकी नंबर प्लेट भी मैं लेकर आया हूँ और उनकी प्रेस की आईडी है। अच्छा। कोई आदमी है, उसकी फोटो भी है उस पर। अच्छा। जो मेरे पास है, और मैं अभी पुलिस के साथ धनौल्टी में भी इस वक्त अगर जाएं, क्योंकि मैं सूचना मिलने पर अपनी गाड़ी लेकर हम 4-5 लोग बुरांसखंडा तक पहुंचे, और जहां मुझे ये महसूस हुआ कि कहीं हमारा ही रेस्क्यू ना करना पड़े किसी को, इतनी बुरी स्थिति है सड़क की और कई जगह क्रैश बैरियर टूटे हैं, और इसी एरिया में अभी भी अगर नीचे कोई जाए तो 3-4 गाड़ी तो अभी भी पड़ी है जो पहले लोग जिसमें दुर्घटना के शिकार हुए। इंडिया पोस्ट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट।